हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंट एंजल ऑनलाइन क्लासेस। वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। बट बिफोर इट वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स और व्हाट हैपन व्हेन लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, व्हिच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, एज वी नो दैट मटेरियल्स जो होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। और एटम में क्या होते हैं बच्चों? तो एटम में, इसके बारे में बच्चों डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, तो एटम में बहुत से ऑर्बिट्स होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। और इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ऐसे एटम किसी मटेरियल्स में बहुत से होते हैं बच्चों। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होता है, वो इलेक्ट्रॉन उतना लूजली बॉन्ड होता है न्यूक्लियर फोर्स से, यानी उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में कम एनर्जी चाहिए होता है। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना क्लोज होता है, उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में उतना ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, जिसे आप बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हो या आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हो। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में कम एनर्जी की नीड होती है। क्यों? क्योंकि वो लूजली बॉन्डेड होते हैं। और मान लो ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड बैंड का, तो इसे रिलीज करने में कम एनर्जी की नीड होगी। और अगर इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है तो ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। अब बच्चों, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। एक मटेरियल में इस तरह के बहुत से एटम्स होंगे। अब बच्चों, मान लो आपने क्या किया, लाइट इंसिडेंट किया या लाइट रेडिएशन इंसिडेंट किया किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का। बच्चों, फ्रीक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रखने से क्या होगा? आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी है। प्लैंक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है फोटोन की, वो क्या होती है? एच न्यू। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं, इसका मतलब जितने भी हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, एनर्जी पैकेट्स इंसिडेंट कर रहे हैं, उन सब फोटोन्स की एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी क्या है? कांस्टेंट एनर्जी है। मान लो बच्चों, 1 सेकंड को मैंने जो लाइट इंसिडेंट किया है, उस लाइट रेडिएशन में 5 फोटोन्स हैं और 5 फोटोन्स हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। इसका मतलब हर फोटोन की एनर्जी कंसीडर कर लो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये समझने के लिए बच्चों, मान लो मैंने किसी मटेरियल्स पे, जिसमें इस टाइप के बहुत से एटम्स हैं, मैंने लाइट रेडिएशन इंसिडेंट किया, वो भी जिसके अंदर 5 फोटोन्स हैं। हो सकता है ये 500 हो या 5000 हो या बहुत से फोटोन्स हो। मैंने कंसीडर किया है कि लाइट रेडिएशन में 5 फोटोन है और हर फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी का है। इट मीन्स हर फोटोन की एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों, जो फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट और फोटोन की एनर्जी कितनी है जो इंसिडेंट हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे? तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। और कितनी एनर्जी से बाहर निकलेगा? तो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बाहर निकलेगा। इट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली है बच्चों, वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने वाली है। अब मान लो दूसरा फोटोन है जो इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है, अब इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। हम इंसिडेंट कितना कर रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से बाहर होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी? तो वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। फिर मान लो बच्चों, एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन को मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। इट मीन्स अब जो इलेक्ट्रॉन ये इमिट होगा, वो किस काइनेटिक एनर्जी से इमिट होगा? वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के काइनेटिक एनर्जी से इमिट होगा। इसका मतलब बच्चों, अगर हम सेम एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करें किसी मेटल सरफेस पे, तो जरूरी नहीं कि हर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो। यानी जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है मेटल सरफेस से, जरूरी नहीं कि हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम हो।
कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से रिलीज हो सकता है या कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी से इजेक्ट हो सकता है या कोई इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी से एमिट हो सकता है। बच्चों वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की ये खासियत होती है कि ये हमें एक इंडिकेशन देता है कि मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में। इट मीन्स हमें जो आइडिया आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का कंसेप्ट, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का आता है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी देंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं जा पाएगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। इट मीन्स जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इट मीन्स ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का आइडिया देता है, दूसरा अब जो हम एनर्जी इंसिडेंट करेंगे लाइट या फोटोन इंसिडेंट करेंगे इस मटेरियल पे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कौन सा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो भी यही इलेक्ट्रॉन आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि ये कम एनर्जी से बॉन्डेड है तो हम जो भी एनर्जी देंगे तो ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यही इलेक्ट्रॉन एक्वायर या अचीव करने वाला है। इट मींस बच्चों जो सबसे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस मटेरियल के दो प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कि मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में, दूसरा कि उस मटेरियल पे अगर हम किसी पर्टिकुलर एनर्जी का लाइट इंसिडेंट करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो भी हमें पता चल जाएगा। अब मान लो बच्चों मैंने 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन इंसिडेंट किए, बहुत सारे फोटोन इंसिडेंट किए, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो कितना होगा बच्चों? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसे चाहिए रिलीज होने में, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो रिलीज होने में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाकी कितना बचा? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब अगर हम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन हम इस मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। हो सकता है जो हम 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बहुत से फोटॉन्स इंसिडेंट करें तो किसी की एनर्जी 11 हो, किसी की एनर्जी 10 हो, किसी की एनर्जी 5 हो, किसी की एनर्जी 6 हो, यानी काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकता है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहे हम 200 फोटोन इंसिडेंट करें 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का या 1000 फोटोन इंसिडेंट करें 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होने वाली है। इसका मतलब बच्चों अगर हम किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या कांस्टेंट एनर्जी का फोटोन, बहुत से फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर हम 20 फोटोन इंसिडेंट करें या 200 फोटोन इंसिडेंट करें या 2000 फोटोन इंसिडेंट करें सेम फ्रीक्वेंसी का तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एक चीज और बच्चों, अगर मान लो आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब आपने एनर्जी चेंज कर दी, फोटोन की एनर्जी चेंज कर दी। अब फोटोन की अगर हम एनर्जी चेंज कर ले 12 वोल्ट की जगह 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन यूज कर ले तो उस कंडीशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन अगर मान लो आप 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ही 20 फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो या 200 फोटोन इंसिडेंट कर रहे हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बच्चों ये आप आगे पढ़ोगे आइंस्टीन ने कैसे मैथमेटिकली इस चीजों को समझाया था, लेकिन अगर आप ये चीजें अभी समझ जाते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके माइंड में पहले से सेट होगा कि हाँ ये चीज ऐसे हो रहा है। तो बच्चों आप इसे रफ में नोट करोगे, एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इस कंसेप्ट के थ्रू हम बहुत से क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। नाउ स्टूडेंट लेट डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ कलेक्टर पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, यानी कलेक्टर पोटेंशियल का फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होता है हम वो देखते हैं। सो फिर सेकेंड सो लेट्स ड्रॉ द कर्व। सबसे पहले हम कर्व ड्रॉ कर लेते हैं वाई एक्सिस पे बच्चों फोटो करंट एंड एट एक्स एक्सिस कलेक्टर पोटेंशियल दैट इज वी सी, हियर पॉजिटिव पोटेंशियल एंड हियर नेगेटिव कलेक्टर पोटेंशियल और रिटार्डिंग पोटेंशियल
पोटेंशियल, इस पॉइंट में बच्चों जीरो पोटेंशियल। अब बच्चों हम कलेक्टर पोटेंशियल को चेंज करके ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे कि फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होता है। इट मींस अगर हम कलेक्टर प्लेट यानी इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रखें तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होगा, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर नेगेटिव हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए बच्चों हम एमिटर प्लेट को जीरो पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं, अर्थिंग कर लेते हैं, या फिर पोटेंशियल एट एमिटर प्लेट कंसीडर जीरो। जब हेलबेक एंड लेनार्ड ने दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रखा, इट मीन्स कलेक्टर प्लेट पे पोटेंशियल जीरो रखा और लाइट इंसिडेंट किया एमिटर प्लेट पे किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट और फोटोन जब इंसिडेंट किया एमिटर प्लेट पे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एमिटर में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। एमिटर में डिफ्लेक्शन का शो होना एट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस ये इंडिकेट कर रहा था कि लाइट के एमिटर प्लेट पे इंसिडेंट होने से एमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, एमिट हो गया होगा, इजेक्ट हो गया होगा और कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव कर गया होगा, जिस वजह से जीरो पोटेंशियल के बावजूद भी सर्किट में कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा था। इट मीन्स बच्चों एट जीरो पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट वी ऑब्टेन सम करंट, हमें कुछ ना कुछ करंट मिला। अब बच्चों जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या एनर्जी का लाइट इंसिडेंट करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम होगी और कुछ की मिनिमम, यानी हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। मान लो बच्चों इन फोटॉन्स के इंसिडेंट होने से कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बच्चों ये बस जो डेटा दिया गया है समझने के लिए दिया गया, आपको ये डेटा डायग्राम में नोट नहीं करना है। तो बच्चों मान लो आपने फोटॉन्स इंसिडेंट किए किसी पर्टिकुलर एनर्जी या फ्रीक्वेंसी का, जिस वजह से क्या हुआ कि 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। अब 4 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग, एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो मैक्सिमम है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1.5, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बच्चों हम इसी फ्रीक्वेंसी के और भी ज़्यादा फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहे हम 2 फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं या 200 फोटोन इंसिडेंट करें, हमेशा इस मटेरियल के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होने वाला है। तो ऐसा क्यों हुआ, हम समझते हैं कि जीरो पोटेंशियल पे क्यों कुछ करंट प्रोड्यूस हुआ, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हुआ ये है कि जब हम लाइट या फोटोन या रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जो मैक्सिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी हेल्प, बिना किसी हेल्प के एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं, यानी विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। मान लो बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो एनर्जी चाहिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए। अब होगा क्या, लाइट मैंने इंसिडेंट किया, इस लाइट के इंसिडेंट होने से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी उसकी एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस प्लेट से इस प्लेट तक जाने में कितना एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स बच्चों कि लाइट के इंसिडेंट करने से, इस फ्रीक्वेंसी या इस एनर्जी के लाइट के इंसिडेंट करने से ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा विदाउट एनी हेल्प। इट मीन्स जो करंट प्रोड्यूस होगा या फोटो करंट जो इस सर्किट में फ्लो होगा वो केवल और केवल ऐसे इलेक्ट्रॉन के कारण प्रोड्यूस होगा जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है या जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इस वजह से बच्चों जीरो पोटेंशियल पे भी हमें कुछ ना कुछ करंट मिला, और ये करंट किसके कारण मिला होगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के कारण। अब हम बच्चों कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को इस अरेंजमेंट के थ्रू पॉजिटिव करके देखते हैं क्या फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होता है। अब अगर जब ये प्लेट
पे पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया बच्चों। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच में सेटअप हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो उस नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इस इट मींस बच्चों कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने से इलेक्ट्रॉन हर इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जो प्रोवाइड करती है वो कितना करती है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसके कारण एनर्जी कितनी होती है बच्चों, तो एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी। इट मीन्स इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब बच्चों टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी मैक्सिमम थी वो तो विदाउट किसी हेल्प के यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रहा था, यानी एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुँच रहा था, लेकिन 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सफिशिएंट नहीं थी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से वो इलेक्ट्रॉन भी एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुँच जाएगा। इट मीन्स सिंपल सी बात है फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि पहले तो केवल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो रहा था, इस पॉजिटिव पोटेंशियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी से जो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे, जिस वजह से फोटो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब बच्चों मान लो हमने कलेक्टर प्लेट के पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, अब जब हम इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे बच्चों तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो जो लो एनर्जी कम से कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे वो भी एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे। इट मींस बच्चों एट अ पर्टिकुलर पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो सब के सब एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुंच जाएंगे। मान लो बच्चों चार फोटो इलेक्ट्रॉन, चार फोटोन के इंसिडेंट होने से चार फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था, अब जैसे जैसे हमने पोटेंशियल इंक्रीज किया, जीरो पोटेंशियल पे तो केवल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया तो पहले दो इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा था, और इंक्रीज किया तो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन ही पहुंचने लगे, और इंक्रीज किया तो जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इस फोटोन ने जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए थे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक पहुंच गए। अब अगर उससे ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करे तो क्या होगा बच्चों, उसके बाद करंट तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ था अब सब के सब यहाँ से यहाँ पहुँचने लगे, अब अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करें तो वो फोटो करंट पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा ना, तो इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो जैसे जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे ऑन कलेक्टर प्लेट फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होगी, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विच हैज लो एनर्जी, कम एनर्जी वाले इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के कारण। एंड आफ्टर सर्टेन पोटेंशियल करंट की वैल्यू क्या हो जाने वाली है बच्चों, कॉन्स्टेंट या सेचुरेट हो जाने वाली है, जिसे हम कहते हैं सेचुरेशन करंट। सेचुरेशन करंट क्यों सेचुरेट हो जाएगी, क्योंकि फोटोन ने जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए थे अब सबके सब इलेक्ट्रॉन एमिटर से कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने लगे, इस वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू अब इंक्रीज करने से भी करंट पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, इस करंट को कहेंगे बच्चों सैचुरेशन करंट। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अब कलेक्टर प्लेट पे नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करके देखते हैं। तो बच्चों नेगेटिव पोटेंशियल देने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसका मतलब बच्चों कि नेगेटिव पोटेंशियल सेटअप करने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। बच्चों इन इलेक्ट्रॉन्स की तो एनर्जी वैसे ही कम थी, ये विदाउट एनी रिपल्सन या विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शन से भी यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच रहे थे, जब जीरो पोटेंशियल था कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कोई इन्हें रोकने वाला नहीं था तब भी ये यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे। तो अब जब एक ऐसा फील्ड या एक ऐसी एनर्जी
इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट कर रही है जो इनको आगे फॉरवर्ड होने से रोक रही है, तब तो अब ये इलेक्ट्रॉन वैसे ही नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, अब धीरे धीरे क्या होगा, उन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगी, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी वो इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी से यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। मान लो फोटोन्स के इंसिडेंट होने पे ऐसे 100 इलेक्ट्रॉन्स थे जो अपनी एनर्जी से यहाँ पहुँच रहे थे, अब आपने क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी से यहाँ पहुँच रहे थे अब वो भी इस प्लेट से इस प्लेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, किसी पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल पे जितने भी इलेक्ट्रॉन खुद की एनर्जी से यहाँ पहुँच रहे थे अब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसका डायग्राम देख ले बच्चों कि अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते रहे तो क्या होगा, फोटो करंट की वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगी, एंड एट अ पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, किसी खास नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट पे फोटो करंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि अब कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इस नेगेटिव पोटेंशियल ने जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे उनको भी स्टॉप कर दिया एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक जाने के लिए। इस वजह से इस नेगेटिव पोटेंशियल को क्या कहेंगे बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज, विच इज डिनोटेड बाय वी ओ विद नेगेटिव साइन। तो कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, तो कलेक्टर प्लेट पे वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पोटेंशियल के कारण मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाता है, उस पोटेंशियल को या उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो नेगेटिव पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स पे एक्ट किया है उसके, यानी पोटेंशियल एनर्जी के, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी एक्सर्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इट मींस एट स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, तो ई वी नॉट के। अब ई वी नॉट क्या है बच्चों, तो आपने पढ़ा अभी, वो वर्क होता है या एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है। नाउ लेट्स नोट डाउन, एक्सपेरिमेंटली इट वॉज ऑब्जर्व दैट एट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट सम करंट फ्लो थ्रू द सर्किट ड्यू टू दोज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विच हैज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन कलेक्टर प्लेट was observed that
फोटो करंट ऑल्सो इंक्रीज. And after certain potential, the photocurrent becomes saturated and current in this condition called saturation current. By increasing negative potential on collector plate, photo current start to decrease and at a certain negative potential of collector plate, फोटो करंट बिकम्स स्टॉप और जीरो. दिस नेगेटिव पोटेंशियल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इन योर नोटबुक.